बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाउसन बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चले मंसना बासा, जहाँ पर नून लीग की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट से जारी कर दिए गए, तो दूसरी जानिब नून लीग ने अपने पैनल का भी ऐलान कर दिया। मुकामी पैनल का ऐलान ट्रुप लीडर मियां फिदा हुसैन वट्टू ने मुकामी मंसनाबाद प्रेस क्लब में किया। उम्मीदवारान एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में प्रेस क्लब पहुंचे। रैली के रास्तों पर वर्कर्स की जानिब से उम्मीदवारों पर नोट और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। ट्रुप लीडर उम्मीदवार हल्का PP 237 मियां फिदा हुसैन वट्टू ने पैनल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक हल्का अहने 160 के लिए उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू और PP 238 के लिए सैयद नजर महमूद शाह उम्मीदवार होंगे। इस अज्म का भी इरादा किया कि वो एक मजबूत पैनल की सूरत में सियासी मैदान में उतरे हैं और तमाम पैनल कामयाब होकर इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें ब्रोय कार लाएंगे। सहाफियों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद उस मौका पर मौजूद थी। इस्लामाबाद में साइबर क्राइम तफ्तीशी यूनिट 15 जनवरी से फाल हो जाएगा। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का क्याम। साइबर क्राइम तफ्तीशी यूनिट 15 जनवरी से फाल हो जाएगा। पैका एक्ट में तरमीम के तहत इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस साइबर क्राइम मुकदमात का अंदराज करेगी। साइबर क्राइम की तफ्तीश में FIA की तकनीकी मुआवनत हासिल है और हासिल भी की जाएगी। 7 अफसरान की FIA के तआवुन से शोभा जाती इस्तेदाद काज की तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पुलिस FIA के साथ मिलकर वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद क्राइम के खात्मा के लिए कोशां है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी, आवाम परेशान। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शब्बीर से। जी शब्बीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह मौसम सरमा में इस्लामाबाद में भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग होने लगी। शाम को 10 बजते ही गैस चूल्हों से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से शाम के खाने में घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालकान को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि गैस 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गायब होती है। जी अब आपको बताते चले हसन अब्दाल से, जहां पर मुमताज बच सरदार जुल्फकार हयात के हक में दस्तबरदार हो गए। हसन अब्दाल से आजाद उम्मीदवार ब्रायस वाई असम्बली हल्का PP 2 मुमताज बच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ब्रायस वाई असम्बली हल्का PP 2 जुल्फकार हयात खान एडवोकेट के हक में दस्तबरदार हो गए। चचा खान मलिक नून लीग के साथ 35 साल रफाकत को छोड़कर अपने खानदान और दोस्त अहबाब समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुमताज बट का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जिसने हमेशा आवाम की खिदमत की, इस बार भी जुल्फकार हयात खान को PP 2 से भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। शमूलियती तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की कसर तादाद ने शिरकत की। नाउसिन अब आपको खबर देते चलें जी डेरा गाजी खान से, जहां पर स्कूल के बच्चों की जानिब से स्कूल के सामने एहतजाज जारी है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मिजानुर रहमान से। जी मिजान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर के बाहर। यहाँ पे ये तैनात किया गया है स्कूल के बच्चे, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ जो खातून ठहरी हुई है स्कूल की प्रिंसिपल है, उनका क्या मुतालबा यहाँ पे है, किस वजह से स्कूल को सील किया गया था, आइए जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या मकसद है एहतजाज बच्चों ने कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किया हुआ है? क्या बच्चों का साथ देना है, उनके हम हक की आवाज़ उठाना हमारा जुर्म है।
बिल्कुल आपका गैस भाग गया है, देखिए ये बच्चे सर्दी में बैठे हुए हैं। हाँ जी वही ना, हमें फिर धमके आ रही है कि आप मतलब काम कर रहे हैं। वो लोग धमके दे रहे हैं आप हमारे अपने का नाम बातें हैं तो समझ जाएंगे। अभी इंतजामिया का कोई आदमी आ रहे हैं आपसे बात? अभी इंतजामिया कमीशन साहब ने बताया था, उन्होंने कहा है कि असद जानिया साहब वेली जी से वो आएंगे तो वो आपसे बात करते, अभी तक वो नहीं आए। बस इन बच्चों का यही मतलब है कि ये बच्चे उस स्कूल में दूर जो स्कूल किया गया है उधर ये नहीं जा सकते, ये बात है कि ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ पे स्कूल? 17 ब्लॉक में था, आपसे शिफ्ट किया गया वो बस 1 ब्लॉक जी। बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कमिश्नर खातून का बयान, कमिश्नर के बाहर जो है ना ये इंतजाज लगा के बैठे हुए हैं, स्कूल को FIA ने सील किया गया है। मुतालबा इनका कमिश्नर डेरा गाजी खान से है ये स्कूल को जो है ना फिर दोबारा से ओपन किया जाए। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी। शेखुपुरा से जहां पर कार सेम नाला में चौधरी हादसा धुन के बायस पेश आया है, तफसीलात क्या है जान लेते हैं मजीद तारिक खान लोधी से। जी तारिक बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिर्ज़ा मिरका रोड पर जहाँ पर कार सेम नाले में गिर गई। हादसा शदीद धुंध और पुल पर सेफ्टी वाल ना होने की वजह से पेश आया। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में समीउल्लाह 50 साल, जफर 52 साल और बशीरा रशीद 35 साल शामिल हैं। जी पास कर लेते हैं जिला की मरवत की जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट्स जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लकी मरवत के कौमी और 3 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर शेर अफसल मरवत के मुताबिक कौमी असम्बली के हलका ने 41 का टिकट इन्हें जारी किया गया है, जबकि पार्टी सराय के मुताबिक पीके 105 का टिकट जौहर मोहम्मद खान, पीके 106 का टिकट मलिक नूर सलीम और पीके 107 का टिकट तारिक सईद को जारी किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आपके साथ।